हेलो एवरीवन वन कीम छो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सिस्टर यूनिकॉर्न आज मैं आप सबके साथ, साथ शेयर करने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप लुक क्योंकि शादी की सीज़न ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है सो अगर आप खुद ब्राइडल मेकअप लुक करना चाहते हो या फिर किसी ब्राइड को रेडी करना चाहते हो सो आप डेफिनेटली कर सकते हो सबसे पहले हमें लगाया गया है प्राइमर और वो है स्विस ब्यूटी का और गाइस ये जो रेडी कर रही है वो मेरी सिस्टर है जिनका अहमदाबाद में खुद का पार्लर है मिस्टर ब्यूटी पॉइंट और उनका इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो शायद आपको ऑर्डर देना हो या फिर कोई भी पिक्स चेकआउट करना हो तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं देन मेरा पूरा फेस आ, का कलर करेक्शन हो रहा है सबसे पहले उन्होंने मेरे नोज़ एरिया पे और जो आ, लिप्स के आजू बाजू का एरिया थोड़ा पिगमेंटेड था वहाँ ऑरेंज कलर करेक्टर यू यूज़ किया है और जो आप देख रहे हो अभी वो मेरे फोरहेड को अंडर आइज़ को और जॉ लाइन को कंसील कर रही है और ये शेड मेरे शेड से ज़्यादा लाइटर है सो वो एज अ हाईलाइट परपज से भी यूज़ हो सकता है और इससे हमारा फेस भी कंसील होगा जैसे कि जो भी डार्क स्पॉट्स होंगे वो सब छुप जाएंगे और आपका हैवी मेकअप लुक हैवी ब्राइडल मेकअप लुक आपको मिलेगा आप देख सकते हैं, मेरा फेस नॉर्मली पूरा इवन हो गया है देन अब बारी आती है फाउंडेशन की फ़ाउंडेशन के लिए हमने यूज़ किया है रेवरन का फाउंडेशन जो ब्राइडल के लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक टिका भी रहता है और गाइज़ अगर आपने मेरी रील्स ना देखी हो बहुत अच्छी अच्छी आई है सो so, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए जिसका आई है सिस्टर यूनिकॉर्न और मेरी रील्स को भी इंजॉय कीजिए और पूरा फाउंडेशन बेस मेरे फेस पे अप्लाई कर रही है मेरी सिस्टर और जो कि वो उन्होंने स्पॉन्ज से अप्लाई किया है अगर आप चाहो और ब्रश से कंफर्टेबल हो तो आप ब्रश से भी कर सकते हो बस आपको अच्छे से ब्लेंड करना है पूरा मेकअप अभी आपको थोड़ा ज़्यादा वाइट दिख रहा होगा पर धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो जाएगा और बस ऐसे ही हमारा बेस ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है और अब बारी आती है और मेरी सिस्टर अब मेरा कॉन्टोर कर रही है पूरा फेस हल्का हल्का कॉन्टोर कर रही है क्योंकि मुझे इतने कॉन्ट्रोल की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल ब्राइडल मेकअप लुक में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए सो उन्होंने मेरा फेस भी कं कॉन्टोर किया है जितना हो सकता था क्योंकि ज़्यादा कॉन्टोरिंग मुझे भी नहीं पसंद और मेरे फेस पे फिर अच्छी भी नहीं लगती अगर आपका फेस ज़्यादा चबी है तो आप ज़्यादा कॉन्ट्रोल कर सकते हैं अपने फेस को और फिर फिर उसे भी अच्छे से ब्लेंड करना है और आपकी नोज़ कॉन्टोरिंग हो और चीक कॉन्टोरिंग हो वो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना और अगर आपको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आया हो सो प्लीज़ गाइज लाइक कर देना क्योंकि आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है हमने बहुत मेहनत की है पूरे मेकअप लुक में और फिर मेरी सिस्टर उसे अच्छे से बेक कर रही है पूरे मेकअप को ताकि जो भी क्रीम प्रोडक्ट है वो हम पाउडर लगाएंगे या फिर लूज पाउडर लगाएंगे तो पूरा मेकअप सेट हो जाएगा अब बारी आती है आई मेकअप की अगर आप यूज़ टू ना हो सो तो आप पहले आई मेकअप कीजिए और उसके बाद फेस मेकअप कीजिए उसके लिए मेरी स्किन मेरी सिस्टर मेरी आईज को पहले प्रेप कर रही है कंसीलर से ताकि पूरा आई मेकअप है वो अच्छे से दिखे आप कंसीलर यूज़ करोगे और उसके बाद आई शेडो यूज़ करोगे तो आपका आई मेकअप ज़्यादा ऊपर के दिखेगा और आपके आई शेडो ज़्यादा पिगमेंटेड लगेगी और अगर आपको अपनी आईब्रोज़ भी ज़्यादा इनहेंस करनी हो तो वो भी आप कंसीलर से कर सकते हैं और उसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है और उसके बाद अपना आई शेडो स्टार्ट करना है आपको अब बारी आती है आई मेकअप की सो so, आई मेकअप के लिए मेरी सिस्टर ने सबसे पहले लिया है रेड कलर रेड रोज़ पिंक वाला रेड कलर और सबसे पहले पूरी आईलिड पे उन्होंने एक लाइट सा शेड पूरे आईलिड पे अप्लाई किया है आप देखते जाना स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा इजी है और फिर ट्राई करना अगर आपको पसंद आए तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी ज़रूर करना अगर आप ट्राई करें तो और उसके बाद उन्होंने दूसरी आईलिड पे भी पूरा रोज़ पिंक कलर है उससे पूरी आईलिट लाइट शेड से अप्लाई किया है और फिर धीरे धीरे उन्हें ब्लेंड करते जाना है और डार्क करते जाना है ज़्यादा और अगर आप चाहो तो एक शेड ही रख सकते हो और अगर आप चाहो तो उसमें जैसे आ, मैं मेरी आइज़ में थोड़ा स्मोकी लुक था और बीच में बीच में गोल्डन ग्लिटर था तो आप वैसे भी कर सकते हो वैसा करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और बीच में उन्होंने जैसे मैंने कहा वैसा गोल्डन कलर अप्लाई किया है और उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और लास्ट में ब्लैक कलर एज ए स्मोकी इफेक्ट देने के लिए ब्लैक कलर लेके मेरे आउट वी कॉर्नर पर अप्लाई करके उसे अच्छे से दोनों कलर को ब्लैंड किया है और ज़्यादा स्मोकी लुक नहीं रखा है लाइट स्मोकी लुक रखा है बट ये आई बहुत अच्छे लग रहे थे फोटोज़ भी बहुत अच्छे आए हैं और जो भी अप, आपका जो आ, आ, एरिया होता है आईब्रोज़ के नीचे का वहाँ पे आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है ताकि आपकी आईब्रोज ज़्यादा इन्हेंस लगे और आपका आई भी पूरा परफेक्ट एक आ, लुक मिले आपके आई को और उसके बाद मेरी सिस्टर ने अप्लाई किया है काजल जो कि है रेवलोन का आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लगा सकते हो आपको ज़्यादा डार्क आइज चाहिए तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो मैंने नॉर्मल लगाया है ना ही ज़्यादा ना ही कम और फिर आईलाइनर अप्लाई किया है आईलाइनर में कुछ उतना ज़्यादा विंग क्रिएट नहीं किया है हम लोगों ने सिंपल आईलाइनर रखी है एंड आई होप कि आपको ये लुक पसंद आ रहा हो क्योंकि इस लुक में बहुत ज़्यादा मेहनत गई है हम सबकी सो आई होप गाइस कि आपको पसंद आया हो और अगर आप ब्राइडल मेकअप लुक कर रहे हो तो आप जेल लाइनर यूज़ करो जेल लाइनर काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक टिकती है इस बार मेरा आई मेकअप में भी जेल लाइनर यूज़ हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक टिकी रही थी मतलब आप बारह घंटे तो मैक्सिमम कर ही सकते हो उसके साथ लिक्विड आई लाइनर से जेल लाइनर अच्छी है एज अ ब्राइडल लुक के लिए और अब बारी आती है मस्कारा की मस्कारा आपके आइज़ को ज़्यादा आपके लैशेस को ज़्यादा अच्छा दिखाता है और इसके लिए मस्कारा मोस्ट अप्रोप्रिएट है अगर आप चाहो तो आप फॉल्स लैशेज़ भी लगा सकते हो बट मुझे नहीं लगता कि मेरी आइज़ इतनी छोटी छोटी है उसमें भी मैं लैशेस अभी तो नहीं लगाना चाहती नेक्स्ट का लुक में शायद हम ट्राई करेंगे और फिर ब्लशर अप्लाई किया है और देन हाइलाइटर एंड हमारा मेकअप ऑलमोस्ट डन सिर्फ बाकी है लिपस्टिक और जो भी आईब्रोज फिल करनी है वो बाकी है और अगर आपकी आईब्रोज ब्राउन कलर की हो सो प्लीज़ ब्लैक कलर से उसे फिल नहीं कीजिए बाकी आपकी आईब्रोज बिल्कुल फेक लगेगी सो ट्राई किए आप ब्राउन कलर या फिर ब्राउन या आ, कॉफ़ी कलर को मिक्स करके आईब्रोज को फिल कीजिए लाइक like अभी मेरे को किया है जैसे हमने ब्लैक कलर बिल्कुल यूज़ नहीं किया था अगर हम ब्लैक कलर यूज़ करते तो पूरी एकदम फेक आई आईब्रोज होती है वैसा लगता और जो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता फ़ोटोज़ में सो आई होप कि आपको मेरा ये ब्राइडल मेकअप लुक पसंद आया होगा अगर आप ज़्यादा प्यार बरसाओगे तो हम ज़्यादा नए नए डिफरेंट डिफरेंट लुक्स आपके लिए लेकर आएंगे और कमेंट सेक्शन में भी प्लीज़ प्यार बरसाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने ना किया हो तो बस मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है सिर्फ बाकी है लिपस्टिक लिपस्टिक के लिए हमने रेड कलर यूज़ किया है क्योंकि मोस्टली ब्राइडल को डार्क मरून रेड और पिंक कलर ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग रेड कलर बहुत अच्छा जा रहा था सो हमने रेड कलर अप्लाई किया है लिपस्टिक के लिए और अगर आप चाहो तो आप ब्रश के हेल्प से लिपस्टिक लगा सकते हो और उसे ज़्यादा अच्छे से आप लगा पाओगे और बिगड़ने की भी कोई भी झंझट नहीं रहेगी क्योंकि ब्रश का जो एप्लीकेटर होता है लिपस्टिक ब्रश का वो बहुत थिन होता है जिससे कि आपकी लिपस्टिक बिगड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती सो तो आप फ्रीली अपनी लिपस्टिक कर सक अप्लाई कर सकते हो एंड प्लीज़ मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर, कर दीजिए फिर से क्योंकि बिल्कुल सब्सक्राइब ही नहीं करते लोग और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ सो प्लीज़ गाइस कंसीडर कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल और आपको मैं इस दुल्हन के अवतार में कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा